जैसा कि आप देख सकते हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन फ्रॉम INPHO. INPHO यानी कि इंडियन फिजिक्स ओलंपियाड. इसे सेकंड स्टेज भी कहा जाता है इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड की. और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही अमेजिंग होते हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं. और इसी में से एक क्वेश्चन हम देखने वाले हैं बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन. तो आई होप आपने अभी अपनी कोचिंग्स में ग्रेविटेशन पढ़ लिया होगा और उसके बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हैं. तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अभी है. दिस इज द क्वेश्चन. दिस इज फ्री स्टैंडिंग टावर. तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपके सामने है, इसका डायग्राम आप देख सकते हैं. एंड ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन नहीं, दिस इज पार्ट ए, दिस इज पार्ट बी. इस वीडियो को यहां पॉज करके ऑल द इंफॉर्मेशन यू कैन कलेक्ट. आगे हम बात करते हैं ऑप्शन सी डी एंड ई की. तो ये पांच पार्ट्स दिख रहे हैं, ऑप्शन पार्ट ए बी सी डी एंड ई. तो टोटल पांच पार्ट्स है. आपके पास एक दिन का टाइम है. इस वीडियो के सॉल्यूशन विल बी अपलोडेड ऑन फ्राइडे. तो तब तक अच्छे से अटेम्प्ट करना कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए. तो वीडियो को पॉज करके सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं एंड उसे ट्राई कर सकते हैं. तो क्वेश्चन में लगभग आपको लगना चाहिए अराउंड 30 to 35 minutes. ये 30 to 35 minutes इसमें टाइम लगना चाहिए. तो अगर आप सिंसियरली कर रहे हैं, आपने ग्रेविटेशन अच्छे से पढ़ा है, तो 35 मिनट्स में दिस कैन बी कंप्लीटेड. ओके, और इसके सॉल्यूशन की हम बात करेंगे फ्राइडे को. इस क्वेश्चन के मार्क्स आप देख सकते हैं वहां पर अवेलेबल हैं, यानी कि देख सकते हैं पांच पार्ट्स हैं. तो पांच पार्ट्स के इंडिविजुअल मार्क्स अवेलेबल हैं. पार्ट ए कंसिस्ट 0.5 मार्क्स, पार्ट बी के लिए 1.5, पार्ट सी 5 मार्क्स, पार्ट डी 3 मार्क्स एंड पार्ट ई 2 मार्क्स. तो टोटल 12 मार्क्स हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 12 मार्क्स से आप देखना है कि कितने सही करते हैं. ओके, तो जेन्युइनली मार्किंग करना. हम इसके फ्राइडे को सॉल्यूशन देखेंगे एंड उसके कमेंट सेक्शन में मार्किंग जरूर कीजिएगा. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक.